तय जाए। शहर में हर रिहायशी इलाके में इन दिनों जाम की समस्या और सड़क पर खड्डे और जल जमाव की समस्या है। देखिए यह समस्या जाम और गड्ढा जानलेवा हो गया है। पूरा शहर से लेकर पूरा शहर के बाहर निकलने वाले सारे रास्ते जाम है। आरा पटना जाम, आरा छपरा जाम, आरा सासाराम जाम, आरा मोहनिया जाम, आरा अरवल जाम, तो पूरे तरीके से भोजपुर के लोग मौत के आगोश में रह रहे हैं। अगर किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है तो पूरा जो है कि नहीं, लोग भोजपुर के लोग मरने पर विवश है। और यहाँ के सांसद, यहाँ के बिहार के नीतीश और मोदी जी की सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन नमस्तक है। बालू माफियाओं के आगे पूरा बालू माफिया पूरे बेहतरीन तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से दिन रात रोड पर चल रहे हैं और जिनके चलते पूरा जाम बना हुआ है। और इस पे मोदी जी की, नीतीश जी की सरकार, ये बताइए ना इससे निजात क्या है। हम लोग इस पर बैठक करके और हम लोग सत्याग्रह आंदोलन करने की तैयारी में कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के सभी रोड तो नगर निगम अंतर्गत आता है, उसके बावजूद भी शहर में गड्ढे और नाले। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नगर निगम के महापौर केवल और केवल लूटने के चक्कर में पड़े हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट सके। उनको गड्ढा से, सफाई से, विकास से कोई लेना देना नहीं है। शहर में जाम लग रहा है, गड्ढा है, पानी जमा हो जा रहा है। इसके लिए एक दिन महापौर रूबी कुमारी को आप नहीं देखिएगा कि शहर का निरीक्षण करते हुए। निरीक्षण के नाम पर इन लोग बहुत सारा सुविधा है, लेकिन एक भी दिन आरा नगर निगम के महापौर रोड पर निकल के निरीक्षण नहीं करती हैं। और पूरा केवल कागजों पे जो है कि नहीं, साफ सफाई चल रहा है। ये काफी लंबे समय से देखा जा रहा है जाम समस्या, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है? प्रशासनिक अस्त्र और दुर्दृष्टता, सरकार का सोच। पूरा बक्सर का मेन रोड बंद है, मेन पुला दसियों बरस से है, लेकिन ना सांसद को, ना मुख्यमंत्री को, ना उप मुख्यमंत्री मोदी जी को चिंता है कि बक्सर तेल का पुल चालू कर दिया जाए कि कम से कम 10 बरस बंद हुए हुआ, कम से कम वहाँ पर नया पुल बन जाता। चारों तरफ का पुल बंद है, सेतु पुल भी जो है कि नहीं महात्मा गांधी बंद है। और इसके चलते पूरे जो है कि नहीं पटना जाने के लिए मुख्य मार्ग हो गया आरा का। और इसके चलते तमाम जीटी रोड से लेकर तमाम छपरा से लेकर तमाम गाड़ियाँ आरा भारत की रोड होकर जा रही हैं। ये बताइए, आप तो पार्षद भी हैं आरा के और साथ ही माले नेता भी हैं, आपकी पार्टी के द्वारा जो क्षेत्र पड़ता है गांव संदेश तारारी सब तो कुछ जाम रहता है, आपके भी विधायक हैं। बिल्कुल, हमारे विधायक विधानसभा में सवाल को उठाए थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ होता है? आने वाले दिनों में भी इसको उठाएंगे और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस भोजपुर में जाम समस्या के खिलाफ आंदोलन करेंगे। केवल आंदोलन होगा, कुछ समाधान होगा? जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हमारा सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा।